बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह खालिकिल खल्क बासितिर रिज़्क फालिकिल इस्बाह दयानिद्दीन रब्बिल आलमीन। वल्हम्दुलिल्लाह कासिमिल जब्बारीन मुबीरिल ज़ालिमीन मुद्रिकिल हारिबीन नकाल ज़ालिमीन सरीखिल मुस्तसरखीन मौदिए हाजात तालिबीन मुअतमदिल मुमिनीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अकरमिल अंबिया वल मुरसलीन शफीउल मुज़नबीन खातमिन नबियीन रहमतन लिल आलमीन बिल कासिम मुहम्मद। वालहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलगुर्र अलमयमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين अम्मा बादो वक़त قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون। صلوات پڑھیے اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك इमाम ज़माना अज्जल अल्लाह ताला फ़रजा गवर्नमेंट ऑफ इमाम महदी के उन्वान से होने वाली ये हमारी छठवीं तकरीर है। हमने कल तक की बातों में ये बात जहनों में बिठाने की कोशिश की है, एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है कि दीन
फ्यू रिचुअलिस्टिक एक्ट्स का नाम नहीं है, बाज मानवी बातों का नाम नहीं है, दीन टोटल सिस्टम ऑफ लाइफ है, इंसान की मुकम्मल हयात दीन रहनुमाई करता है हयात से मुतालिक। और वो इस दावे के साथ मा फर्रतना फिल किताब मिन शय, हमने इस किताब में किसी चीज़ को छोड़ा नहीं है, वलकत सर्रफना फी हाद बस वलकत सर्रफना लिन्ना से फी हाद अल कुरान मिन कुल मसल, हमने इस कुरान में इंसानों के लिए हर मिसाल पेश कर दी है। तो हमारे पास, हम लोग डिपेंडेंट नहीं हैं, इंडिपेंडेंट हैं। जब कुरान से अलग हो जाते हैं तो फिर डिपेंडेंसी है। तो जितना मुस्लिम कंट्रीज को देखिए, इसलिए है कि उन्होंने कुरान को अलग कर दिया है। जिन्होंने कुरान को अपना लिया है वो साफ सर उठा के चल रहे हैं, कह रहे हैं ना तुम्हें है ना हमें मशरिक की ज़रूरत है ना हमें मगरिब की ज़रूरत है, ला शर्किया वला गर्बिया बलिल इस्लामिया इस्लामिया, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट इस्लाम इज़ दी बेस्ट, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कल हमने यूनिवर्सल, अच्छा एक जुमला मेरा कह कर के आगे बढ़ो, वो ये कि इस्लामी कानून चूँकि फितरी हैं, नेचुरल हैं, इसलिए इसकी दो खसूसियतें हैं, एक यूनिवर्सल हैं, दूसरे अडेप्टेबल हैं, यानी काबिल अमल हैं। यूनिवर्सल हैं यानी हर दौर में ये काम आने वाले हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि अब्सोल्यूट हो जाए। मसलन सेलफोन जो है रोज़ाना नए नए आते चले जा रहे हैं और पुराने अब्सोल्यूट होते चले जा रहे हैं, कंप्यूटर्स नए नए आते चले जा रहे हैं और नए आने के बाद पुरानों को मनसूख करते चले जा रहे हैं। दीन इस्लाम इस चैलेंज के साथ आया है, लन तजद सुन्नतिल्लाह तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली होने वाली नहीं है, इसलिए कि फितरत कभी बदलती नहीं है, तुमको बदलना है, अल्लाह बदलने वाला नहीं है। ये हमारे ज़हनों में एस्टैब्लिश हो जाना है कि दीन इस्लाम, बाज़ लोग, बाज़ आजकल ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को मॉडरेट कहलाने के बात करते हैं, हम लोग एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, हालांकि दीन इस्लाम खुद एक मॉडरेशन का नाम है, और ये कोशिश करते हैं कि हम ज़रा सा बीच का रास्ता इख्तियार करते हैं, गाढ़े नहीं हैं, बाकरी साहब मौलवी साहब हैं ये वो कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते। दीन में ऐसा नहीं, बाकरी के लिए अलग मज़हब नहीं है, किसी अल्लामा के लिए अलग मज़हब नहीं है, किसी मर्जा के लिए अलग मज़हब नहीं है, हत्ता इमाम के लिए अलग मज़हब नहीं है, सब के लिए एक है। तो ये जहनों में आ जाए कि दो चीज़ें, यूनिवर्सल अडेप्टेबल, सबको हर दौर में काबिल अमल जो कानून है वो इस्लाम है। उसी लिए कुरान कह रहा है कि सबसे अहम चीज़ जो अंबिया के कामों में से एक काम थी, वलकद अरसलना रुसुलना बिलबैनात व अनजलना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियकूमन नास बिलक़िस्त। खुदा कह रहा है कि पैगंबरों के आने का मकसद क्या है, ताकि इंसान अदालत का खूगर बन जाए, अदालत, और अदालत बिल अदल कामत समावात वल अर्द, अदल की बिना पर, इस जस्टिस की बिना पर, इस इक्विटी की बिना पर सारी कायनात कायम है। तो जस्टिस यूनिवर्सल है, अदालत आफा है और अडेप्टेबल है, इसीलिए इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजा, जब तशरीफ लाएंगे तो इस बात को बताएंगे कि अदालत
अदालत चाहिए, जिस तरह से सरकार की हुकूमत के जमाने में अदालत थी, अंबिया एस्टैब्लिश करा रहे थे अदालत को, जिस तरह से मौलाए कायनात की हुकूमत में अदालत की कोशिश की गई थी, उसी तरह से जब आइंदा जो मोमेंट की तहरीक का सबसे बड़ा उंसुर जो होगा, जिसको कहते हैं मोटिवेशन फैक्टर इन मोमेंट ऑफ इमाम महदी, सबसे बड़ा तहरीक का, सबसे बड़ा हरकत का सबसे बड़ा उंसुर जो होगा वो होगा अदालत। क्योंकि अदालत का ताल्लुक मजहब से नहीं है, हर इंसान से है, हर इंसान मौला का साथ देगा। समझ में आ रही बात? चूंकि आफाकी पयाम है, पयाम इंसानियत है, इसीलिए आज दुनिया में जितनी भी गड़बड़ हो रही है वह लैक ऑफ जस्टिस है, इन इक्विटी, इनजस्टिस की वजह से, जुल्म की वजह से, नोच खसोट चलने चलते चलते एक चोर औरत का पर्स चुरा रहा है और चोर वो चुरा करके चोर कहला रहा है, लेकिन लीडरान बड़े बड़े पर्स चुरा रहे हैं, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। और उससे बढ़कर जो सबसे ज्यादा इंसानियत का झंडा हाथ में लिए हुए हैं वो खुद लूट रहे हैं। इराक को मुसलसल 4 साल से लूटा, ऐसे लिटोरों का, लुटेरों का कोई पूछने वाला नहीं है कि तुमको हक किसने दिया, तो ऐसे जालिमीन को कैफरे किरदार तक पहुंचाने वाले की जरूरत है। इसीलिए खुदा ने कहा वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम, अल्लाह ने यह वायदा कर लिया है, ईमान लाने वाले तुम में से और अमल सालेहात करने वालों में से, उनके दरमियान एक खलीफा को खुदा मुकर्रर करेगा, इन तमाम लुटेरों से बदला लेगा और जालिमीन को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा, मज़लूमीन का हक दिलाएगा। ये बात हुई कल तक की, आज की गुफ्तगू बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है। मेरी हालत ऐसी नहीं है, मैं गड़बड़ चले बारह, दुआ करें इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर आप साथ ना देंगे तो शायद मैं आगे भी ना बढ़ पाऊँ। सब सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, साथ रहें। आज जिस बात को बताना चाहता हूं, इमाम हमारे मौला आने वाले इमाम महदी के हुकूमत की खसूसियात में से एक खसूसियत जो बहुत अहम है और हम इसको एस्टैब्लिश करना, इस मसले को भी बहुत ज़रूरी है कि इमाम की हुकूमत न सिर्फ आदलाना होगी बल्कि आफाकी होगी, यूनिवर्सल होगी, ये बॉर्डर्स वगैरह सब खुद रिमूव हो जाएंगे। दो चीज़ों को मुकदमतन बयान करूँगा। कॉम्प्लेक्स बहुत बुरी चीज़ है, खुसूसन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानि एहसास कमतरी डेंजरस है। इंसान की हयात में अगर ये आ जाए तो वो कभी इंसान कामयाब नहीं हो सकता। एहसास कमतरी में कभी मुब्तला मत हो जाए। स्कूल में भी अगर फेल हो गए तो कमतरी का एहसास ना करें, ठोकर लगी है उठें, जो गिरता है वही उठता है, जब तक नहीं उठेगा उस वक्त तक फिर गिरता ही रहेगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एहसास कमतरी, इसीलिए तरबियत में माँ बाप के लिए ज़रूरी है कि दो बच्चों के दरमियान कभी भी, मैंने तरबियत औलाद में इस बात को बताया था, कभी डिफ्रेंशिएट ना करें, इसलिए कि खुदा ने दो में अलग अलग सलाहियतें दी हैं और दोनों बेहतर हैं। कभी उनके जहन में, एक बच्चे के जहन में ये नहीं आना है कि मैं कमतर हूँ दूसरा बरतर है।
एहसास कमतरी इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। दूसरा एहसास ना उम्मीदी, होपलेसनेस अगर इंसान में आ जाए तो वो इंसान भी कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये दो बहुत बुरी आदत हैं, बुरे, इसका नाम है नफ्सियाती बीमारी, साइकेट्रिक अमराज हैं। दीवाना नहीं है वो शख्स, लेकिन जहनी तौर पर इस तरह से उसकी परवरिश हुई है कि हर बात में नाउम्मीद रहता है और हर बात में एहसास कमतरी का शिकार होता है। इसी तरह से एक सोसाइटी भी मुमकिन है कि नाउम्मीद सोसाइटी हो, एक सोसाइटी भी मुमकिन है कि एहसास कमतरी में मुब्तला हो। इस्लाम ने जिस रुख को, जिसको तालीम दिया है वो यूनिक है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासे तामुरून बिल मारूफ व तनहाउन अनिल मुनकर व तूमिनून बिल्लाह, तुम बेहतरीन हो। यानी कभी तुम्हें एहसास नहीं होना चाहिए कि चूंकि हमारे पास सैटेलाइट के उड़ाने का सलीका नहीं है, चूंकि हमारे पास चांद में जाने का सलीका नहीं है, चूंकि हमारे पास वो मॉडर्न वेपन नहीं है, इसलिए हम कमतर हो जाए। कुरान कहते होशियार, ना ना ना, ऐसा ना करो। कौन तुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। यू आर दी बेस्ट नेशन, बचपने से माँ झूला झुलाते हुए इस आयत की तिलावत करती रहे। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहाउन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्ला, क्यों बेहतर हो? इसलिए कि तुम अम्र बिल मारूफ करते हो, नहीं अनिल मुनकर करते हो, ईमान बिल्ला रखते हो। तीन खसूसियतें बता दी खुदा ने, जिस कौम में ये तीन खसूसियतें आ गई वो बेहतर है। पावरफुल वो नहीं है जिसके पास पावर हो जाए, ये जो जिसके पास ये तीन चीजें हैं वो बेहतर है। देखिए, जब जाता है वो शख्स, एक छोटा सा 5.5 फीट का इंसान कोलंबो यूनिवर्सिटी में, उसने बयान करते हुए तीन चीजों की दावत दी। वो नंबर 1 अम्र बिल मारूफ किया, दूसरा नहीं अनिल मुनकर किया, तीसरा अल्लाह की तरफ दावत दिया। बताया सब एक तरफ, खैर उम्मत एक तरफ। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो इसीलिए हमेशा इस चीज को जहनों में डालना है। जुडाइज्म में, यहूदियों में एक गंदी चीज है। आई एम वेरी सॉरी टू बी ब्लंट, वो ये है कि वो बच्चों को तरबियत देते हुए कहते हैं कि यू आर दी बेस्ट, तुम बेहतर हो, दूसरे इंसान बदतर है। यानी तुम्हारी बका के लिए दूसरे का घर लूट सकते हो, तोड़ सकते हो, मार सकते हो, दुनिया को बर्बाद कर सकते हो, जीने का हक सिर्फ तुमको है। ये सिखाया जाता बाकायदा। चुनाचे आपने देखा 67 का इजराइल और आज का इजराइल क्या हो गया, सारे नक्शे को खींच लिया है, लूट रहे हैं, हर मर्तबा किसी ना किसी घर को तोड़ रहे हैं, हर मर्तबा किसी इंसान को मार रहे हैं, इसलिए कि जहन में यह है कि हम बेहतर हैं। इस्लाम में कहता ना, कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम खैर उम्मत हो। तुमसे मुराद कोई काले गोरे अमीर गरीब नहीं है, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे वो खैर उम्मत। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो खैर उम्मत में आ गया। दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए वो नाउम्मीदी, होपलेसनेस अगर आ गई इंसान की इनफरादी जिंदगी में, वो इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो कभी आप होपलेस ना रहें, हमेशा से कहें इंशाअल्लाह हुकूमत आएगी, इंशाअल्लाह मौला आएंगे, हम तैयारी करेंगे, सारी दुनिया में दीन को फैलाएंगे और हम ही कामयाब होंगे, दूसरे कामयाब हो नहीं सकते। जिसको अल्लाह रखे
उसको कौन चेक किए? कुरान है, मेरी तरफ से नहीं है। तो इन दो चीजों को, दो उसूलों को इमाम महदी से आने से पहले, अज्जल अल्लाह ताला फरजा शरीफ, ये हुआ मुकदमा। आया आज की गुफ्तगू, बहुत अहम गुफ्तगू। मेरे साथ माशाल्लाह एजुकेटेड बच्चे हैं और बड़ी खुशी है कि जवान अक्सर हैं यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएं। उम्मीद है कि इन बातों को सिर्फ 10 दिन में महदूद ना करें बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में कॉन्स्टेंटली इस पर स्ट्रगल करें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। जिस बात को मैं आज ये बताना चाह रहा हूँ, सोशल साइंस का बहुत ही अहम जुज है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस में एक गुफ्तगू है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बकाए असह। सोसाइटी में वही बाकी रह सकता है जो फिट हो। मसलन समंदर में मछलियां हैं हजारों किस्म की, मगर एक छोटी मछली को दूसरी खाती है, दूसरी उसको, उससे बड़ी खाती है उसको, उसको बड़ी, यहाँ तक कि वेल जो है जो सामने आता है उसको हड़प कर जाती है, तभी तो वेल बनती है। हाँ, तो यहाँ तक के पैगंबर को भी मुंह में ले लेती है ना भाई, ये वेल बन गई है। क्यों? इसलिए कि सर्वाइवल उसका ये है कि उसको खाना है। इसी तरह से सबूरियत जिसको कहते हैं, बीस्टली एनिमलिस्टिक किंगडम में भी यही होता है। जंगलों में कौन सर्वाइव करता है? छोटा छोटे का शिकार बड़ा करता है, करता करता यहाँ तक कि शेर जो है सबका शिकार करता है, तो वो जंगल का बादशाह बन जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसी को बाज नाहिंजार गैर इंसानी हुकूमतों ने अपनाया है। अगर इस वर्ल्ड में पनपना है तो लूटो, मारो, खून करो, सब करो, तुम एक दिन सारी कायनात पर हुकूमत कर सकते हो। ये है प्रस्पेक्टिव ऑफ बातिल, यानी दो प्रस्पेक्टिव हैं, और एक अच्छी तरह से समझिए और कुरान की आयत के जरिए से, और ये बात आज समझ में आ गई तो कल से आपका मसला और भी हल होता चला जाएगा। कुरान की आयत मेरी तरफ से नहीं है। प्रस्पेक्टिव दो तरह के होते हैं, यानी इदराक दो तरह के होते हैं, सोचने का अंदाज दो तरह का होता है, एक अंदाज मादी और एक अंदाज मानवी। इंसान दो तरह से देख सकता है दुनिया को, या मादी ऐनक से देख सकता है या मानवी ऐनक से देख सकता है। तो हमें दुनिया को किस ऐनक से देखना है? मादी ऐनक से नहीं देखना है बल्कि मानवी ऐनक से देखना है। क्या माने? मसलन देखिए सूरह यासीन पढ़ते ना भाई, सूरह यासीन पढ़ते ना, कब पढ़ते हैं बोलिए? मरहूम के ईसाले सवाब के लिए। जब कुरान ईसाले सवाब के लिए हो तो फिर कहां से होगा? कुरान आया था जिंदगी देने के लिए। अब हम जो है मरहूम के लिए पढ़ रहे हैं, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन भी कुरान में मौजूद है, हैं? और सवाब के बजाय बेचारे पे तमाचे लग रहे आए हैं। माफी चाहता हूं मैं, सवाब मिलेगा, बिल्कुल सवाब मिलेगा, लेकिन कुरान मरहूमीन के लिए नहीं है, इंसान को हयात देने के लिए। इमाम ने फरमाया सूरह अलहम कितनी मतलब पढ़ते हैं? मौला ने फरमाया अगर पढ़ो जिस तरह से पढ़ने का हक है, बाईद नहीं है कि मुर्दा जिंदा हो जाए। क्या माना है? माना यह है कि कुरान इज लाइफ। तो हमारा पर्सपेक्टिव क्या हो गया? हमको चेंज करना है ये पर्सपेक्टिव, कुरान मरने पर। और आजकल क्या हो गया? अच्छा भाई फरा मरहूम का इंतकाल हो गया, कुरान खानी होगी। अगर वहाँ नहीं हो गई, वहाँ कुरान खानी में 30 जमा नहीं हुए जी, तो क्या होता? 10-15 जमा हो गए, 15 बाकी हैं। तो फ़ोन किया, आपको 16वां पारा, आपको 70वां पारा, आपको 18वां पारा, आपको 19वां पारा, फ़ोन करके सबके हवाले कर दिया। अब ये जो खोलते हैं, अच्छे खासे बैठे हुए थे यार, ये पारे लगा के छोड़ दिया इन्होंने। अब वो कुरान का फायदा क्या है? अब आपको कुरान वो क्या देने वाला है?
यकीनन मरहूम को सवाब होगा, लेकिन कुरान इसके लिए नहीं आया था। अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक्फालुहा, क्या तुम तदब्बुर नहीं करते, रिसर्च नहीं करते? ये आया था जिंदगी देने के लिए, तुमने मारने का जरिया बना लिया है। पर्सपेक्टिव हमारा चेंज करें कुरान को। मेरे नौजवान बच्चों, कुरान से दिलचस्पी इसलिए कि इमाम की जो हुकूमत होगी कुरान की हुकूमत होगी। इमाम जब तशरीफ लाएंगे, आर्टिकल जो होगा, अब अमेरिका में जाइए, कनाडा में जाइए, मैं तो अपने ऑडियंस को मैं कहा करता हूँ, चूंकि आजकल 9/11 के बाद हमारे पास अमेरिका कनाडा में हालात मुसलमानों के अच्छे नहीं हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, हमारा राइट्स को पढ़ें, व्हाट आवर राइट्स। अमेरिकन को भी चाहिए, वेस्टर्नर्स में जो मगरबी दुनिया में हम लोग मुसलमान हैं उनको क्या करना चाहिए, वहाँ जो राइट्स हैं उनको पढ़ना चाहिए ताकि हम राइट्स को मांग सकें। कुरान है ह्यूमन राइट्स की किताब, कुरान है कॉन्स्टिट्यूशन, इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। गुफ्तगू करें तो किससे करें, कुरान से करें। जुमला उधर से जवाब आया, कुरान से जवाब आया, इसीलिए शहजादी ने फिजा को बताया था कि जवाब देगी 20 साल तक गुफ्तगू करेगी कुरान से। कौन? शहजादी की कनीज 20 ईयर्स तक गुफ्तगू करती है कुरान से, जो भी सवाल आया कुरान से। इतना दम है कुरान में कि हम हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। एक लड़का 5 साल का लड़का सऊदी अरब में जाकर के ईरानी लड़के ने दुनिया को दंग कर दिया था, हाँ, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन तबा तबाही, इतना बोला इतना बोला इतना बोला, यहाँ तक कि उसने कहा मेरी तरफ से कोई तोहफा, उसने कुरान की आयत पढ़ी, तोहफा तुम क्या दोगे, लिबास तक्वा खैर, तकवे का लिबास ही बेहतर। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। प्रोस्पेक्टिव को हम लोगों को चेंज कर, सब मिलके बोलिए, अच्छा है सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इन मुहर्रम की मजालिस को भी दो ऐनकों से देख सकते हैं, मैं बेहद माफी चाहता हूं, एक ऐनक से देखते हैं, अब मजलिसों में जाते हैं सवाब की खातिर, जन्नत की सर्टिफिकेट मिलेगी, यकीनन मिलेगी जन्नत को, यहाँ पर जन्नत यही मिली ना मिले तो फिर कहाँ मिलेगी? अगर जन्नत यहाँ ना मिले तो कहाँ मिलेगी? हकीकत में जन्नत मिलती है किसके लिए? जो जन्नत में जाना चाहता है। यहाँ से बाहर निकल के कहीं और निकल गया तो मजलिस का क्या कसूर है? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मजलिस है भाई, तो एक मरतबा आप मजलिसों में आए, नाउ आई हैव टू लर्न, ये घंटे की मजलिस है, इसमें मेहनत करके मौलवी आता है, मेहनत करता है, कई किताबों को, कई कुरान की आयत को सामने रखता है, तब कहीं जा करके मैं हमारे सामने पेश करता है, आई हैव टू लर्न। मैं तो हमेशा से कहा करता हूँ, छोटी सी बुक नोटबुक रखी है हमेशा, मेरी मजलिसों में नहीं, हमेशा नोटबुक रखा करें, और जहाँ मजलिस में जो अच्छा नुकता है वो फ़ौरन लिख लिया करें, 2 लाइन में 3 लाइन में। आजकल बहुत से लोगों के पास वो नोट के लिए, नोटबुक के लिए पेन की भी ज़रूरत नहीं है, उसी आपके सेल्फ फोन में भी नोट कर सकते हैं। एक जमाने के बाद इतना आपके बाद मटेरियल हो जाएगा, खुद तकरीर कर सकेंगे, मेरा बिजनेस खराब हो जाए मगर आप तकरीर कीजिए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पर्सपेक्टिव है, मजलिस में क्यों आ रहे हैं? मजलिस में आ रहे हैं सवाब की खातिर। कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? सवाब की खातिर ना, कुरान पढ़ रहे हैं समझकर बदलने की खातिर। ये पर्सपेक्टिव है, मजलिस में आ रहे हैं मजलिस में समझकर बदलने की खातिर। अगर ये नियत करके बैठिए तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारे मरहले तय होंगे। दुनिया को दो निगाहों से देखा जा सकता है, सूरह यासीन, वो आता एक शख्स, आहा हा 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 हा, मैं यही रमीम,
सरकार के सामने आता है, वो सूखी हड्डी लिए हुए वो ठोकता, हा ये कह रहा है, नच रहा है, कब्र में सवाल जवाब है, उठना भी है, ये हड्डी सूख गई है यार, कुछ भी नहीं है, मैं यो हिले दाम वही रमीम, ये बोसीदा हड्डी है, इसमें कुछ दम नहीं है। आवाज़ कुदरत आए, कुल यही लदी अंशा अव्वला मर्रा, इससे बोलो जब ये कुछ नहीं था तो हमने पैदा कर दिया, अब तो और आसान है। आज की साइंटिफिक दुनिया कह रही कि डीएनए से, एक डीएनए से सबों को पैदा, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक डीएनए से सबों को पैदा कर सकते हैं, तो ये प्रस्पेक्टिव था, दो पैरेलल कुरान बताता, पैरेलल प्रस्पेक्टिव। हजरत मूसा ने कहा फिरौन अरसिल मई बनी इसराइल, मेरे साथ इसराइल को भेज, बनी इसराइल को भेज, क्या मतलब, हट जाओ तुम कुर्सी से, आई विल बी द गवर्नर, सीधी सीधी बात, अरसिल मई बनी इसराइल, ए मूसा तुम तकवे की बात करो, तस्बीह की बात करो, इबादतों की बात करो, ये चक्कर में क्या फंसे हुए फिरौन के मुकाबले में। अल्लाह ने कहा या इधबा इला फिरौन, जा फिरौन के सामने, इन्नहु तगा, दोनों बागी हो चुके हैं, तुम्हारा जाना जरूरी है, गौर करें अच्छी तरह से। तो ये प्रस्पेक्टिव है, ये मूसा ने चैलेंज किया, हजरत मूसा और हारून ने फिरौन लानतुल्लाह अलैह को क्या किया, चैलेंज किया कि मुझे हमारे साथ भेजो, हम कामयाबी तो ले जाएंगे, तुम्हारा पैगंबरों का काम है सोसाइटी को कामयाबी की तरफ ले जाए, चैलेंज करें किसको, जालिमीन को। किसी ने चैलेंज नहीं किया, वही कर सकता जो हक पर हो, तवज्जो का तालिब हूं, आज तक किसी ने टक्कर नहीं ली, वो बूढ़ा जिसके पास कुछ नहीं था उसने टक्कर लेके बताया हम मूसा वाले हैं, हुसैन वाले हैं, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छी तरह से समझिए, दो प्रस्पेक्टिव हैं, दो तरह की प्रस्पेक्टिव हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कौन सर्वाइव करेगा, जिसमें कुव्वत होगी, एक प्रस्पेक्टिव है। कुरान का प्रस्पेक्टिव क्या है, कुरान का इदराक क्या है, कुरान की निगाह क्या है, कुरान की ऐनक से क्या है, कौन बचेगा। कुरान साफ का वाद अल्लाह الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات, कौन बचने वाले हैं, कौन लीडर बनने वाले हैं, ईमान लाने वाले तुम में से दो काम करेंगे, ईमान भी रहेगा अमल सालेहात भी करेंगे। कुरान ने बताया ईमान और अमल सालेहात, कुरान में जहां भी ईमान आया है अमल सालेहात साथ साथ आया है, ईमान अमल सालेहात होगी बात। आइए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कुरान बता और कौन सर्वाइवल है। आवाज आई वक़्त अपना फिर जबूर अन्नल अर्दा यरिथुहा, अल्लाहु अकबर, हमने जबूर में लिख दिया है, कौन कह रहा है, खुदा। ये लिख दिया के माने क्या है भाई, अब आपको आयत पढ़ूंगा तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। कुतिबा अलैकुम अस्सियाम कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, हमने रोजे लिख दिए, लिख दिए के माने फर्ज कर दिए, लिख दिए कि मन ये होने वाला है, अब अजाब अदा करना है, हमने जबूर में लिख दिया है अन्नल अर्दा यरिथुहा इबादी सालिहून, ये जमीन को विरासत मिलेगी नेक लोगों को। तो मालूम है कुरान का पर्सपेक्टिव पावरफुल नहीं है, सफाई और नेकी है। और आयत पढ़िए वल आकिबतो लिल मुत्तकीन, आकिबत एंड रिजल्ट किसके हाथ में है, मुत्तकीन के हाथ में है। ए इमाम का इंतजार करने वालों मुत्तकीन बनो ताकि इमाम मुत्तकीन का इंतजार कर सको, उसी का सर्वाइवल है सारे जालिम खत्म होने वाले।
ये कुरानिक प्रस्पेक्टिव है, ये जमीन सालेहीन के हाथ में जाएगी, मोमिनीन और अमल साले करने वालों के हाथ में जाएगी, मुत्तकीन के हवाले होगी, कुरान की आयत है। अब आइए और एक आयत पढ़ता हूं मैं, अल्लाहु अकबर। या अय्युहल्लज़ीन आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिह فسوف ياتي الله بقوم يحبهم يحبون عزة أذلة على العزة على المؤذلة أذلة على الكافرين عزة على المؤمنين الله أكبر। अजीब और गरीब आयत है। अल्लाह ने यह वायदा किया है जो भी तुम में से दीन से हट जाएगा, कुछ लोग ऐसे होंगे वो लोग दीन की तरफ बुलाएंगे। क्या क्यों कैसे बुलाएंगे, किस तरह से बुलाएंगे? वो जब काफिर का मसला आएगा बहुत सख्त रहेंगे, मोमिनीन का जब मसला आएगा बड़े दिल से लगा लेंगे, मुसलमानों के साथ नरमी से पेश आएंगे, काफिर के साथ बड़ी सख्ती से पेश आएंगे। जब भी उसका मसला होगा आंख में आंख डालेंगे, जब मुसलमानों का मसला होगा मोहब्बत से बात करेंगे, उनकी हुकूमत होगी हज करके बताएंगे। दुनिया भी हज करती है लेकिन जब हम हज करते हैं तवाफ भी रिकॉर्ड होता है, जियारत भी रिकॉर्ड होती है। बताइए الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات وعد الله الذين امنوا منكم وهو وعدہ کیا اس میں کیا وعدہ کیا خدا نے یا ای الذين امنوا من يرتد منكم جو بھی دین سے ہٹے گا تم میں سے صفا فسوف یاتی اللہ بقوم یہ قوم آئے گی يحبهم يحبون یہ وہ قوم ہوگی اللہ بھی ان سے محبت کرے گا یہ بھی اللہ سے محبت کریں گے अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन जब मोमिनीन के बाद सामने आते हैं तो बहुत जलीलाना अपने आप को हकीर, जब काफिर के सामने आके इज़्ज़तिन अलल काफिरीन। उसके बाद कुरान बताता ला यखाफून लौमत लाइम उनको मलामत करने वालों का कोई असर नहीं होगा, दुनिया बुरा कहेगी मगर वो परवाह नहीं करेंगे। ये कौन है भाई, 57 कंट्री में कोई है जो इस कैरेक्टरिस्ट को जो कुरान जो बता रहा है उसको अपनाए हो? हम उसके पीछे चले जाते हैं, जो भी करेगा, इसलिए कुरान उसूल को बताता है, प्रिंसिपल्स को बताता है, चेहरे नहीं बताता, गिनाता नहीं ये नाम है ये नाम है, जो भी करेगा ये जाए किसके पास जाए। अरे भाई एक ही तो है जो डटा हुआ है, जब मोमिनीन की बात आती है तो कहता है मुसलमानों हम तुमसे लड़ेंगे नहीं। अब वो सरकार पहुंचे हुए हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं लड़ाने की, और ये कह रहे हैं कि नहीं लड़ना नहीं, हम आपस में दबाई भाई हैं। हाँ तवज्जो का तालिब है, हम आपस में भाई भाई, ये लड़ा रहा है, समझो 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 समझो, ये लड़ा रहा है, हम आपस में भाई भाई हैं। ये कौन है, जब अल्लाह की तरफ से इंस्पायर होते हैं दुनिया को बता देते हैं, हम बातों में नहीं आते हुक्म परवरदिगार में जाते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मुझे तो बहुत खूबसूरत दुनिया कहती है कि ज़ुहूर इमाम होगा, दज्जाल आएगा, दज्जाल आ चुका, ज़ुहूर शुरू हो चुका। ज़ुहूर हमारे हाथ में है, दज्जाल किसको कहते हैं? गुनाहों की तरफ दावत देने वाला। इन्ना शैतान लकुम अदू फत्तखिदूहु अदुआ, शैतान तुम्हारा दुश्मन है उसको दुश्मन समझो। وَيَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا أَصْحَابَ السَّعِيرِ, शैतान अपनी पूरी पार्टी को बुलाता है ताकि सब जहन्नमी हो जाए। कुरान की आयत भी हमारी तरफ से नहीं है, क्या करता है कुरान? कुरान कहता है शैतान के दो बड़े हरबे हैं। अब ये शैतान कौन है ये भी देखिए, नौजवान बच्चे अच्छी तरह से समझे, ये कोई शैतान है जिसका नाम इबलीस, जिसने सजदा नहीं किया, और शैतान शयातीन अल इंस वल जिन, कुछ शैतान है इंसानों में से और कुछ शैतान है जिन्नों में से। तो मतलब जिन्नों की अब शैतानों की बड़ी टीम है,
जी क्या करते हैं वो, अश्शैतान यअदुकुम अलफक्र व यअमुरुकुम बिलफहशाए वल मुनकर। शैतान तुमको वायदा करता है काय का, फकर का, डराता क्या है, अगर हमको नहीं मानोगे रोटी नहीं मिलेगी, आजकल आटा नहीं मिल रहा है। देखिए भैया है ना भैया, आटे की चक्कर चली हुई है ना पूरे पाकिस्तान में। आपने हदीस में पढ़ा था ना भी, एक जमाना वो आएगा दज्जाल आएगा, ठिकरी ठिकरी बाजा होगा, सुना था ना आपने, उसमें आवाजा होगा और सबको बुलाएगा, रोटी रोटी मैं देता हूं, मेरे पास रोटी है। अब देखिए आ गया, फिर क्या सोच रहे हैं है? फिर क्यों भी अभी तक परेशान है कि वो आएगा, आ चुका है यार, अब तलाश करो उसकी जो आ चुका है हक की तरफ दावत दे रहा है। समझे आप अच्छी तरह से, समझ में आ रही बात, बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो इंशाअल्लाह इमाम की हुकूमत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के माने। कुरान ये कहता है कि सब खत्म हो जाए मगर हमारी बात खत्म नहीं होगी। आखिर में एक छोटा सा फलसफा बड़ा मिसालों के जरिए से अदा करके आपकी जहमत को तमाम करूंगा। देखिए जब कभी किसी चीज को इंसान बनाता है जब तक के उसका मकसद पूरा नहीं हुआ छोड़ता नहीं है। इस जुमले के लिए भी एक मजलिस चाहिए। कोई चीज अगर आपने बनाया फॉर द पर्पस, जब तक के पर्पस सर्व नहीं होगा आप छोड़ने वाले नहीं है ना भाई दुनिया में। अच्छा इंसान के पास इतनी अक्ल और उस इतनी अक्ल में ये अक्ल आ गई कि जो चीज बनी है उस पर्पस को सर्व करना चाहिए। खुदाया क्या तूने पूरी कायनात यूं ही बना दिया, अफहसिब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुम ख्याल करते हो कि तुमको हमने यूं ही पैदा कर दिया, क्या तुम्हारे साथ हम तुम्हारे हमारे पास तुम आने वाले नहीं हो, तुम्हारे पैदा करने का मकसद है तुम मेरे पास आने वाले हो। परवरदिगार ने बताया मकसद है मेरे पास आने वाले हो, काहिम का मकसद है इन्नी जाइलुन फिल अर्ज खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा बना रहा हूँ, मकसद की इब्तिदा है, इंतहा में क्या हुआ, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, वो मकसद को पूरा करना है। जब तक वो मकसद पूरा नहीं होगा इस जमीन से हम कोई बंदे को उठाने वाले नहीं। वो मकसद क्या है, हदीस में है कि इंशाल्लाह जब मौला आएंगे हर गोश व कनार से आवाज आएगी ला इलाहा, कोई नहीं रहेगा सिवाय यही आवाज होगी, यानी सब सरेंडर होंगे उसकी मर्जी पर। ला इलाहा यमलाउल अर्द किस्तम व अदला बादमा मुलियत ज़ुल्म व जौरा, दुनिया में जुल्म जौर भरा होगा लेकिन वो आएगा तो आएगा तो क्या होगा, सारी जगह अल्लाह का कलमा होगा। अब हमसे ना पूछिए ये उनका मोनोग्राफ सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, समझ में आइए मौला ने क्या किस तरह से हमारे पास किस मंजिल पे हम लोग हैं, मकसद क्या है, कैसे मालूम कि मकसद क्या है। फलम्मक्तमल्ला जमीअन तातल कैसा قال الله تعالى اعلموا يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي اني ما خلقت سماء مبنيا ولا ارضا مدحيا ولا قمرا منير ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا في محبه هؤلاء الخمسه الذين هم تعتل كسا। बता रहा है मकसद को समझो, क्या मकसद को हमने पैदा किया, फलम मक्तमल्ला जमीयन, फलम मजतमा नहीं है, अरे मौला शहजादी के जुमले हैं, फलम मक्तमल्ला है, फलम मजतमा नहीं, हम जमा हो गए ना जब हम कामिल हो गए। किसा के नीचे कामिल भी तो हैं, बाप है तो सरदार अंबिया, शवाहर है तो सरदार औलिया, खुद हैं तो सैयदतुन निसाइल आलमीन, बच्चे हैं तो सरदार जवाना ने जन्नत, जब पूरी कायनात नीचे हो तो जिब्राइल पूछेंगे मालिक मुझे नीचे उतरने दे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, शहजादी ने कहा जैसे हम जब
हुए, मुकम्मल हो गए हम लोग। अल्लाह ने कहा खुदा की कसम है मलाइका, ऐ आसमान में रहने वालों ईसा तुम भी आओ, इन्नी मा खलक तो समा, मैंने जमीन का फर्श नहीं बिछाया, आसमान का शामिया ना बुलंद नहीं किया, मैंने सूरज और चांद की कंदीले नहीं लटकाई, मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, यहाँ तक कि इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खमसतिल लदीना हम तहतल किसा, इनकी मोहब्बत में। काला जिब्राइल या रब्बे वमन तहतल किसा, कोई आयरा गैरा तारीफ करता तो ना पूछता, तू तारीफ कर रहा है, आवाज आए हम फातिमा व अबूहा व बादहा व सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी देखिए हमारे पास फिलॉसफी में है तौरफुल अशिया बि अददादिहा, इफ यू वांट टू नो थिंग्स नो इट बाय द कॉन्ट्रडिक्शन। किसी चीज को जानने के लिए कॉन्ट्रडिक्शन से जानो, फूल को जानना हो तो कांटे से जानो, जी सियाह को जानना हो तो सफेद से, अंधेरों को जानना हो तो नूर से। खुदा ने इसीलिए व खलकना फी कुल्ल शयइन ज़ौजैन, खलकना कुल्ल शयइन ज़ौजैन, हमने हर चीज को पेयर बनाया कॉन्ट्रडिक्शन, ताकि ईजिली इंसान को समझ जाए ये है क्या। तो अंधेरे कब समझ में आते हैं, जब नूर देखते हैं। मत को कैसे समझना चाहिए, किससे समझना चाहिए, शर्मा रही बोलते हैं शर्म आ रही है भैया, हम मर्द होते हुए तारुफ हमारा हो रहा है औरत से। ऐ मेरे मौला आए हैं, देखिए फजाइल का रुख याद रख लीजिए, मर्द की पहचान किससे है, और शायद इसीलिए हम फातिमा व अबूहा व बालोहा व बनूहा, पंचतन एक तरफ है, फातिमा एक तरफ है, इसकी पहचान अली की पहचान, इसकी पहचान मोहम्मद की पहचान, इसकी पहचान हसनैन की पहचान। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मजलिस का इंशाअल्लाह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, पूरे पावर वाले खत्म हो जाएंगे। कैसा खुदा खत्म करेगा, जिस तरह से मूसा के जरिए से एक असा, उसी तरह से खात्मा होगा इंशाअल्लाह। जितने जालिमीन हैं बहुत जल्द कैफर किरदार तक पहुंच जाने वाले हैं, उनको बेदार हो जाना चाहिए। सबसे पहले हम लोग अपने जुल्म को दूर करें, गुनाहों से दूर रहें, ताकि वो जब आए तो हम उसकी चंगल में ना फंस जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि बदले के लिए हमको भी वो आगे मैदान में ला ले। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के माने मुत्तकीन का सर्वाइवल होगा, सालेहीन का सर्वाइवल होगा, मोमिनीन जो अमल सालेहात करते हैं उनका सर्वाइवल होगा इंशाअल्लाह। या रब्बी अतअज़न ली अन अहबित इलल अर्द लअकून माहुम साबिसा। 5-10 मिनट आगे बढ़ जाए, घबराइए नहीं, परवरदिगार इजाजत दे कि मैं नीचे उतर जाऊं। जिब्राइल ख्वाहिश कर रहे हैं उतरने की, ये दुनिया ख्वाहिश करती है चढ़ने की बुलंदियों पर, ये जिब्राइल ख्वाहिश कर रहे हैं नीचे उतरने। जब नहीं जवाब मिले, जब कायनात ही नीचे हो, जब अर्श ही नीचे हो, तो ये ख्वाहिश क्यों ना करें। सरकार ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहल बैती व खासती व हामती लहमुहुम लहमी दमुहुम दमी यूलिमुनी मा यूलिमुहुम यहज़ुननी मा यहज़ुनुहुम। परवरदिगार ये मेरा गोश्त, ये मेरा गोश्त, ये मेरा खून है, ये मेरा पूरा वजूद है, इनकी खुशी मेरी खुशी है, और इनका रंज मेरा रंज है, और इनकी सुलह मेरी सुलह है, और इनकी जंग मेरी जंग है। अब ये जब जुमला आ गया और फातिमा मरसिया पड़े सुब्बत अलैहा, तो
मुहर्रम का जमाना है ना भाई। सुब्बत अलैया मसाइबुन, कहां से करबला शुरू हुई? करबला 61 हिजरी का नाम नहीं है, करबला शुरू हो गई जब फातिमा का दरवाजा जला था। करबला शुरू हो गई जब अली के गले में रस्सी आई थी। अस्सलाम अलैका या सबर साबरीन, ए सबसे ज्यादा सब्र करने वाले। किसी इमाम के टुकड़े नहीं ज़ियारत के सिवाय अली के, सबसे ज्यादा सब्र करने वाले, इसलिए कि घर जल रहा था। अजरकुम अल्लाह। दूसरी मुहर्रम को काफिला पहुंचा, चौथी मुहर्रम से आने लगी अफवाज। घोड़ों के टापों की आवाज आती थी, शहजादी ज़ैनब घबरा के पूछती थी, जाओ फिज़ा पूछो कौन आया, जाओ देखो कौन आया है। घोड़ों के टापों की आवाज आ रही है, फिज़ा कहती थी शहजादी, इब्न साद आया है 4000 फौज के साथ, और आया है 2000 फौज, बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ तक के एक दिन ज़ैनब ने फिज़ा से कहा, माजा एक बुलाओ, मेरे माजा है, जब से करबला में आई हूँ जो आता है तेरे खून का प्यासा। जो आता है तेरे खून का प्यासा आता है, क्या तेरा चाहने वाला कोई नहीं, तुझे चाहता नहीं है? इमाम हुसैन ने लिखा खत, हादा मिनल हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब इला रजुलिन फकीह हबीब इब्ने मदाहर। हुसैन का खत कासिद लेकर के गया कूफे में, जितने ब्लैक स्मिथ्स थे, लोहार थे, सब मसरूफ। अजीब पुराशुब हिस्ट्री कहती है कि सब गरम अपने लोहों को कर रहे थे, कोई तलवार बना रहा था, कोई तबर बना रहा था। ऐसे पुराशुब मौके पर कासिद गया है, और शाम का मौका है, हबीब अपनी जौजा के साथ दो लुकमे खा रहे हैं। लुकमा गुलूगीर हुआ, अरबों में सलीका था कि जब कभी ऐसा होता तो कहते कि कोई आया चाहता है, कासिद कासिद आया चाहता है। दकुल बाब हुआ, हबीब ने पूछा मन अंत, तू कौन है? आने वाले ने कहा ना बरीदुल हुसैन। हबीब को मालूम है कौन है हबीब? हबीब वो है कि हुसैन का बचपना, हबीब सहाबी रसूल, हुसैन कदम को उठाते हैं, हबीब खाक को लेते हैं, हुसैन कदमों की आंखों से लगाते हैं। इतना एहतराम करने वाला अना बरीदुल हुसैन, सब छोड़ छाड़ के बाहर के दरवाजे के पास खत को लिया, खोला, आंखों से लगाया, मौला का खत है। अजीब जुमला है, मैं फातिमा का बेटा दुश्मन में गिरा। सके तो मेरी मदद को आ जाओ। मैंने एक साल कोशिश की थी कि करबला के इवेंट्स को एनालाइज करें, इंशाल्लाह कभी हयात बाकी रहे तो बहुत ज़रूरी है कि मौला इमाम हुसैन ने करबला को इस तरह से सेटअप दिया था कि सब भूल जाए मगर करबला कोई ना भुला सके। और चुना भी जो है एक एक ऐसी ऐसी शख्सियात को चुना है
ताकि पूरे मुतासिर होने वाले उस शख्स से वाकिफ रहें। और इनकलाब इस तरह से करबला का है। आंखों को पोछा हबीब ने, करीब गए, जवजा ने पूछा क्या बात, कोई बात तुम्हारी तशवीश बता रही कि कोई खास बात है। का मौला हुसैन का खत, क्या लिखा है, लिखा है कि गिरफ्तार है दुश्मनों। क्या सोचा तुमने, क्या सोचा तुमने, मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारा क्या हो। उसने कहा कि मैं खाक भाग के जी लूंगी, निकलो जाओ, उधर पर जिंदे रसूल बुला रहा। बस चंद जुमले और खत्म दुआ। गुलाम के हाथ में घोड़ा, गुलाम से कहा फलां मजरे की तरफ, खेत की तरफ इस घोड़े को ले जाओ, इसलिए कि हालात बहुत खराब हैं, मैं पीछे से आता हूं। जब करीब पहुंचे हैं हबीब घोड़े के, घोड़े ने घास से मुंह उठा लिया था और गुलाम कह रहा था कि अगर मेरा मौला, मेरा आका हुसैन की मदद के लिए नहीं आ सकता है, घोड़े में गवाह हूं, मैं चलूंगा तेरे पास। हबीब आसमान की तरफ देखते, खुदाया वो कौन सा वक्त आ गया जानवर भी। अजर को शबे आशूर की तरतीब देते हैं, एक हिस्सा इबादत परवरदिगार के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए, तीसरा हिस्सा फौज की तरतीब के लिए। फज्र की नमाज खत्म हुई, तरतीब दी जा रही है। एक मर्तबा दूर से गर्दो गबार उठने लगी, सबों ने तक